सत श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाडा सारिया का मेरे इस यूट्यूब चैनल दे विच। अज आपां मसाला राइस बना के तैयार करांगे। उहदे विच आपां कुछ मनपसंद दीआं सब्जियां दा वी यूज़ करांगे। सब तो पहलां की करांगे, कड़ाही रख लांगे। फिर इहदे विच मैं 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल पाऊंगी, क्योंकि कुछ ऑयल आपां सब्जियां दे विच वी यूज़ करना है, इसलिए आपां इत्थे तेल घट पावांगे। तेल नूं गर्म होण दिंदे आ। तेल गर्म हो गया, ये आपां एक छोटा चमचा जीरे दा लिया, एक वड्डी इलायची नूं तोड़ के लिया, ते 2-3 लौंग लए ने, पहले ये पा देंगे। एक कौली में चावल लए ने, जिन्हां नूं मैं अद्धा घंटा पहला भिओ के रखता सी, बासमती चावल ने, चावल पा देंगे। दो मिनट लिए अपना चावलों इदा ही घ्यो फ्राई करा। ये वाली कौली मैं चावलों की मिण के लई सी। जिहड़ा भी भांडा तुसीं मिणना, एक भांडा सैट कर लो, फिर उहदे हिसाब नाल ही पानी पाउणा। एक कौली चावलों की लई सी, 2 कौली पानी की पाऊंगे। विच एक चम्मच नमक का पा देंगे। नमक अपने स्वाद अनुसार पा सकते हो तुसीं। हाई फ्लेम के उत्ते आपां इन्हां नूं एक बारी उबाला आन देना, जदों उबलन लग गए फिर उस तो बाद आपां गैस नूं स्लो कर देना, ते इहनूं ढक देना। इहनूं ढक के हुण गैस नूं स्लो कर देंगे। हुण आपां इहनूं हले विच विच ढक्कन चक के नहीं देखना हैगा, 15 मिनट बाद ही आपां ढक्कन चक के देखांगे, ते उदों तक चौल बने होणगे पूरे। 15 मिनट हो गए चावलों नूं पकदे होए, हुण आपां गैस बंद कर देवांगे, ते इहनूं हले 5 मिनट बाद खोलांगे ढक्कन, 5 मिनट बाद चकांगे। हुण आपां मसाला बनावांगे। दूजे पासे मैं कड़ाही रखती है, ते इहदे विच आपां 3 टेबल स्पून ऑयल पावांगे। कोई भी कुकिंग ऑयल ले लो तुसीं, जो भी तुहानूं पसंद है। 10-12 कलियां लसुण दीआं लईआं ने मैं, 1 इंच अदरक दा टुकड़ा लिया, छोटा छोटा कट लिया इहनां नूं, ते हरी मिर्च लईआं 2, इहनूं भी छोटा कट लिया, ते प्याज नूं आपां लंबा लंबा कट लिया। हुण तेल जदों गर्म हो जाएगा तां आपां पहलां लसुण पा देंगे। लसुण नूं आपां गोल्डन ब्राउन कर लांगे। लसुण नूं आपां ने गोल्डन ब्राउन कर लिया, हुण आपां प्याज पा देंगे, अदरक भी पा देंगे, ते हरी मिर्च भी पा देंगे। प्याज नूं आपां ने ब्राउन कर लिया, हुण आपां इहनूं अलग तों प्लेट्स कढ लांगे। इस तरीके नाल पाउण नाल प्याज दा जिहड़ा टेस्ट है बहुत ही वधिया होगा। दो मीडियम साइज दे टमाटर लए ने मैं, छोटा छोटा कट लिया इहनां नूं, टमाटर पा देंगे। नमक पा देंगे, नमक क्योंकि अपने चावलों के पाया हुआ है। हुण मैं जिहड़ी सब्जियां बनाउणी है उहदे अकॉर्डिंग नमक पाऊंगी, 1 चम्मच पा देंगी मैं। हुण टमाटरों नूं चंगी तरह कुक कर लांगे सॉफ्ट होण तक। टमाटरों नूं आपां ने बिल्कुल सॉफ्ट कर लिया, 5 मिनट तक आपां इहनूं पका लिया। हुण एक मीडियम साइज़ दा आलू लिया मैं, इहनूं बहुत पतला पतला कट लिया, इहनूं आपां ने इह पा देंगे। पहला थोड़ा जिहा आलू नूं पका लांगे, क्योंकि आलू है जिहड़ा देर नाल बनदा। थोड़ा जिहा पानी पा देंगे तां कि जिहड़ा आलू है अपना कुक हो जाए, ते इहनूं ढक देंगे। 5 मिनट आपां ने आलूआं नूं ढक के पका लिया, आलू अपने सॉफ्ट हो गए बिल्कुल, आ देखो कट्टे जा रहे ने। ये मैं कुछ वैजिटेबल्स लईआं ने, शिमला मिर्च लई है, पीली वाली गाजर लई है 1, ते थोड़ी पत्ता गोभी लई है। तुसीं अपने पसंद दीआं कोई भी सब्जियां लै सकदे हो। सारी सब्जियां हुण विच पा देंगे। सब्जियां नूं आपां ने क्रंची रखना है, आपां ने ज़्यादा इन्हां नूं कुक नहीं करना हैगा। नमक आपां ने पहलां ही टमाटरां 'च पाता सी, हुण आपां इहदे विच गरम मसाला पा देंगे। 1 चम्मच गरम मसाला पा रही हां मैं, ते 1 चम्मच ही धनिया पाउडर पा रही हां।
थोड़ी जी चम्मच का चौथा की हिस्सा काली मिर्च, चम्मच का चौथा की हिस्सा आप लाल मिर्च पा देंगे, क्योंकि अपने हरी मिर्च भी पाई है इसलिए आप जी मिर्च है वो देख के पावे। सब्जियां अपने 3-4 मिनट लिए कुक कर लिया, इन्हों क्रंची रखा, ज़्यादा इन्हों मैश नहीं करना। इधर अपने जोड़े चावल ने वो भी बन गए सी, देखो गैस बिल्कुल स्लो थे, अपने 15 मिनट लिए चावलों पकाया, फिर उस तो बाद अपने 5 मिनट ढक्कन नहीं चक्या, तो चावल बिल्कुल ही खिले खिले बहुत वधिया बन के तैयार हो गए ने। हुण आपां चाहे तो मसाले नूं चावलों च पा दो, चाहे फिर चावल मसाले च पा दो, मैं मसाले दे चावल पा दूंगी। हुण जिहड़े आपां प्याज रखे सी भुन के ये भी पा दूंगी विच, गैस अपने बिल्कुल स्लो करता हूँ, तो इन मिक्स कर लेंगे चंगी तरह। सब्जियां मिक्स करने तो बाद अपने 2 मिनट लिए चावलों स्लो गैस के उत्ते रखे, तो हूँ आप गैस बंद कर देंगे तो आप सर्व करांगे। स्वादिष्ट वेज मसाला राइस बन के तैयार हो गए ने, इन्हों दही ना सर्व करांगे। दही दे विच मैं थोड़ी जी नमक ते काली मिर्च पाई है। फ्रेंड्स तुसी भी इदा ही बना के देखियो, जे वीडियो तुहानू पसंद आई होवे मेरे चैनल नू सबसक्राइब करियो, वीडियो नू शेयर करियो, लाइक करियो। थैंक यू जी।